भिवानी से भाजपा विधायक अपने साथियों के साथ एक अनोखा निमंत्रण पत्र बांटते नजर आ रहे हैं। इस निमंत्रण पत्र में एक ईंट को बैग में डालकर जनता को दिया जा रहा है। एक बात यहां स्पष्ट कर देने वाली ये है कि ये सब किसी राजनीतिक मकसद से नहीं बल्कि सामाजिक मकसद से किया जा रहा है। बता दें, छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध भिवानी शहर में आम जनता के सहयोग से 100 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होने वाले अग्रसेन भवन के लिए ये विशेष निमंत्रण पत्र लोगों में बांटे जा रहे हैं। हो गई है और जल्द ही 27 जनवरी को हम इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। हम प्रत्येक अग्रवाल परिवार में जाकर इसे पूजने के लिए उनको देंगे। पूजा करके आप मुहूर्त वाले दिन लेके आए, तो इस प्रकार की योजना सबने मिलकर बनाई है। मैं इनका छोटा भाई हूँ, लेकिन उन्होंने सबसे पहले मेरे को सदस्य बनाया है। इनका धन्यवाद करता हूँ। और जिस प्रकार से 5-स्टार सुविधाएं, हम अन्य शहरों में जाते हैं, होटलों में जाते हैं तो देखने को मिलती है, उसी प्रकार का ये भवन जिसमें 250 से 300 आदमी और 5,000 आदमी, जिस प्रकार से प्रीतम जी ने बताया है, उनके लिए शादी करने की बैंकेट हॉल में जब जाते हैं तो अच्छी खासी रकम उसमें खर्च हो जाती है। हम सब मिलकर ऐसा प्रयास करेंगे कि गरीब आदमियों को ये भवन सर्वसुलभ हो, इसके लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। आज बाकोठी से जो अग्रवाल परिवार हैं, एक एक घर में जाकर हम ईंटों का वितरण करेंगे और समाज में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग साथी साथ लेकर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। मैं भाई रामदेव जी का, बिरलाल जी का और आज बढ़ चढ़ कर ये हमारी जमीन की भी वृष्टि हो गई है और सभी प्रकार से हम भवन बनाने के लिए तैयार हैं। और हमारे सरकार के एक मंत्री ने मंच से भी एक ट्रस्टी बनने की घोषणा की, विपुल गोयल जी ने, और अपने हाथों से ईंट रखेंगे। ये भिवानी में, छोटी काशी में एक भव्य होगा, अपने आप में एक भव्य रूप होगा जो हिंदुस्तान में सारे अग्रवालों को ये चेताएगा कि आप इकट्ठे हो, एकत्रित हो। हमारा समाज 20-30-50-100 आदमी में इकट्ठा रह जाता है। मेरा मानना यह है ये जागृति हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी जागृति होगी भिवानी की, जो सब लोगों को शिक्षा देगी और बताएगी कि इस एक ईंट से 10,000 अग्रवाल गए थे, 10,000 ईंटें लगाई हैं, उनका तन मन धन सारा 27 तारीख को लग जाएगा। और मैं नहीं समझता कि भिवानी का कोई अग्रवाल इस कार्य में वंचित रहेगा। एक बात और जो यहाँ गौर करने लायक है वो ये कि लोगों को दिए जाने वाले इस निमंत्रण पत्र में जो ईंट दी गई है उस पर अग्रसेन लिखा हुआ है। हिंद एक्सप्रेस के लिए भिवानी से अमन शर्मा की रिपोर्ट।